फिर से पटरी पर दौड़ेगी लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट। जानिए कब से चलेगी और क्या है इसकी खासियत। वैसे तो IRCTC की तरफ से एक से बढ़कर एक लग्जरी ट्रेन चलाई जाती हैं, लेकिन गोल्डन चैरियट को कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जिसका मालिकाना हक KSTC के पास है। 2020 में IRCTC ने ऑपरेशन, मार्केटिंग और मेंटेनेंस के लिए इसे टेक ओवर कर लिया। अब जल्द ही ये ट्रेन फिर से नए लुक के साथ पटरी पर दौड़ेगी। यह ट्रेन कर्नाटका, केरल, गोवा, तमिलनाडु, पौंडुचेरी जैसे राज्यों को एक साथ जोड़ती है। ये ट्रेन 14 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो 6 रात और 7 दिन के लिए होगी। ये ट्रेन बेंगलोर से शुरू होकर बेंगलोर में ही खत्म होगी। रास्ते में यह ट्रेन बांदीपुर, मसूरी, चिकमंगलोर, हम्पी और गोवा से होते हुए गुजरेगी, जो बेहद रोमांचक करने वाला सफ़र होगा। अगर आप 6 रात और 7 दिन वाला प्लान नहीं लेना चाहते हैं तो 3 से 4 रात वाला एक प्लान भी ले सकते हैं। इसमें भी ट्रेन कर्नाटका से शुरू होकर बेंगलोर में ख़त्म होगी और रास्ते में मसूरी, हम्पी और महाबलीपुरम जैसी जगहों से होकर गुजरेगी। ये ट्रेन पिछले साल बंद कर दी गई थी क्योंकि इसे पर्याप्त यात्री ही नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब ये एक बार फिर से ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। अब जानिए आपको इसमें क्या क्या सेवाएं मिलेंगी। इसमें आपको वाईफाई, OTT स्ट्रीमिंग, बियर एंड वाइन, इंडियन खाना और इंटरनेशनल खाना सब मिलता है। इस ट्रेन में 2 रेस्टोरेंट हैं जो बेहद स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। स्टाफ ड्रिंक के साथ साथ शराब की भी व्यवस्था रहती है। फिटनेस सेंटर से लेकर स्पा तक इसमें आपको मिलेगा। जनवरी 2020 में IRCTC ने इस ट्रेन को टेक ओवर किया है, लेकिन कोरोना की वजह से ट्रेन पटरी पर दौड़ नहीं सकी, लेकिन अब ये ट्रेन पटरी पर फिर से दौड़ेगी।